हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग डिजायर। दिस इज श्वेता एंड आज हम डिस्कस करेंगे स्टैटिक जीके का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, फेमस बुक्स एंड देयर ऑथर्स। फ्रेंड्स, ये टॉपिक जो भी एग्जाम हो, चाहे एसएससी सीजीएल का हो, एसएससी सीएचएसएल का हो, एमपीपीएससी का हो, कोई भी एग्जाम हो, सभी के लिए लेक्चर बहुत ज्यादा नेसेसरी है। एंड फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज बता दूं, अभी जो एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम चल रहे हैं उसमें ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया है इस लेक्चर से। ओके, सो नाउ हम देखते हैं फेमस बुक्स एंड देयर ऑथर। फ्रेंड्स, इसमें हम टोटल 10 बुक्स एंड के ऑथर्स को कवर अप करेंगे, साथ ही साथ उनके बारे में थोड़ा थोड़ा सा रिव्यू भी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट बुक है हमारी सुपर इकोनॉमीज, जिसे लिखा है राघव बहल ने। फ्रेंड्स, इस बुक में भारत, अमेरिका, चाइना, इनकी इकोनॉमीज के बारे में बताया है। साथ ही साथ इसमें ये भी बताया गया है कि यूएस के बाद क्या कभी इंडिया भी इकोनॉमिक्स लीडर बनेगा वर्ल्ड का। और इस बुक का पूरा नाम फ्रेंड्स कहा जाए तो इसी तरह से लिखा गया है कि सुपर इकोनॉमीज अमेरिका, इंडिया, चाइना, द फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड। ओके, नेक्स्ट, माई कंट्री माई लाइफ। ये बुक लाल कृष्ण आडवाणी जी ने लिखी है। लाल कृष्ण आडवाणी जो अटल बिहारी वाजपेयी के समय, जब हमारे प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, उनके समय डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, मीन्स उप प्रधानमंत्री थे। और उसी समय जो हमारे प्रेसिडेंट थे वो थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ओके, नेक्स्ट बुक है हमारी द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, मीन्स भारत की खोज, जिसे लिखा है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू फ्रेंड्स, इन्हें हम सभी जानते हैं, जो कि इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे और इनका अपने कॉन्स्टिट्यूशन में भी काफी ज्यादा योगदान रहा। ओके, नेक्स्ट बुक है हमारी गीतांजलि, जिसे लिखा है रविन्द्रनाथ टैगोर ने। रविन्द्रनाथ टैगोर को फ्रेंड्स हम सभी जानते हैं, क्योंकि इन्होंने हमारा नेशनल एंथम राष्ट्रगान जनगणमन लिखा है। इसके अलावा फ्रेंड्स, रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक और नेशनल एंथम, मीन्स बांग्लादेश का नेशनल एंथम भी लिखा है, जो है अमार सोना। ओके, फिर गीतांजलि, ये बुक से ही पता चल रहा है, गीता प्लस अंजलि, मीन्स इसमें गीत है, मीन्स पोयम्स है। इस बुक में सिर्फ और सिर्फ रविन्द्रनाथ टैगोर जी की पोयम्स लिखी है। इसके लिए उन्हें लिटरेचर की फील्ड में इंडिया का पहला नोबेल प्राइज मिला था। ओके, 1913 में। ओके, नेक्स्ट स्विच करते हैं हम, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। फ्रेंड्स, ये बुक लिखी है नेल्सन मंडेला ने। नेल्सन मंडेला, अब फ्रेंड्स ये नाम बहुत ज्यादा फेमस है। ये नाम एक तरह से कहा जाए, ये एक ऑटोबायोग्राफी है नेल्सन मंडेला जी की। ये साउथ अफ्रीका के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। अब एक कहा जाए तो, सॉरी, नॉट प्राइम मिनिस्टर, इट्स प्रेसिडेंट। ओके फ्रेंड्स, ये एक्चुअली में थे कौन? इन्होंने 27 साल अपनी जेल में काटे। क्यों? क्योंकि ये जो काले गोरे का जो भेदभाव था उसको मिटाने के लिए, मीन्स इन्हें साउथ अफ्रीका का गांधी जी भी कहा जाता। नेक्स्ट स्विच करते हैं हम, स्टोरी ऑफ माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, मींस सत्य के प्रयोग, जिसे लिखा है महात्मा गांधी ने, हमारे राष्ट्रपिता ने। ओके, फ्रेंड्स इस बुक में क्या है? इस बुक में गांधी जी ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है। ऑटोबायोग्राफी है तो ऑब्वियसली गांधी जी ने लिखी है। इसमें उन्होंने बताया है कि उनके एक्सपीरियंस कैसे रहा, उन्होंने जो सत्याग्रह आंदोलन चलाया या जो भी आंदोलन चलाया, दांडी यात्रा की, नमक कानून तोड़ा, इन सब में उन्होंने जो भी चीजें गेन किया, जो भी चीजें उन्होंने फेस की, उन सब के बारे में बताया है कि कितना टाइम उन्हें जेल में रहना पड़ा, एवरीथिंग। ओके, नेक्स्ट है हमारी विंग ऑफ फायर, जिसे लिखा है एपीजे अब्दुल कलाम ने। फ्रेंड्स, ये क्या है? विंग्स ऑफ फायर मीन्स अग्नि की उड़ान। आपको शायद पता हो फ्रेंड्स, एपीजे अब्दुल कलाम ने ही हमारे जो अग्नि मिसाइल, उनकी सीरीज की स्टार्टिंग की थी। और ये हमारे प्रेसिडेंट भी थे फ्रेंड्स, ये मैं आपको अभी पहले ही बता चुकी हूँ कि एल के लाडवाणी जब हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे उस समय ये प्रेसिडेंट थे। नेक्स्ट देखते हैं, प्लेइंग एट इट माय वे। फ्रेंड्स, प्लेइंग इट माय वे, ये अभी 4 मार्च के एसएससी सीजीएसएल का जो एग्जाम हुआ है उसमें पूछा गया। इसके जो लेखक है, या ये सचिन तेंदुलकर जी की ऑटोबायोग्राफी है। ओके, सचिन तेंदुलकर जिन्हें हम सभी जानते हैं, इन्हें क्रिकेट का मास्टर ब्लास्टर भी कहा जाता है। नेक्स्ट, स्टोरी ऑफ माय लाइफ। फ्रेंड्स, इसे लिखा है हेलेन किलर ने। हेलेन किलर, फ्रेंड्स ये पर्सन या ये बंदी कहा जाए तो जन्म से ही अंधी थी, मींस देख नहीं सकती थी। ये भी इनकी ऑटोबायोग्राफी है, ठीक है। और फ्रेंड्स, इन्होंने कई सारी ऐसी बुक्स, बहुत ही अच्छी अच्छी बुक्स लिखी है। नेक्स्ट स्विच करते हैं, अनब्रेकेबल, इसे लिखा है मैरी कॉम ने, जो कि हमारी इंडिया की बॉक्सर रही हैं। इन्होंने पद्मश्री,
पद्म भूषण, काफी सारे अवार्ड जीते। इसके अलावा भी इन्होंने राजीव गांधी खेल रत्न, जो कि इंडिया का सबसे अच्छा या सबसे सर्वोच्च अवार्ड माना जाता है, वो भी इन्होंने जीता है। ओके, नेक्स्ट स्विच करते हैं। बॉर्न अगेन ऑन द माउंटेन, फ्रेंड्स ये बुक लिखी है अरुणिमा सिन्हा ने। अरुणिमा सिन्हा फ्रेंड्स, इनके बारे में अगर आपको पता हो तो ये इनकी एक पैर नहीं है, इनका एक पैर नहीं है, फिर भी इन्होंने माउंट एवरेस्ट को चढ़ा। तो आप सोचिए, एक्चुअली जन्म से इनके साथ ऐसा नहीं था, एक एक्सीडेंट में इनके इनका पैर एक चला गया था, उसके बाद ही इन्होंने माउंट एवरेस्ट पर फतह हासिल की। और ये भी इनकी ऑटोबायोग्राफी है। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। इस लेक्चर को आप जरूर एक बार प्लीज देखना, और प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और डेली करंट अफेयर के लिए आप हमें हमारे FB पेज और साथ ही साथ इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।